दोस्तों, हमारे देश में ऐसे मंदिर मौजूद है जहां इतनी दौलत है कि आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। दोस्तों, भारत के लोग धर्म में अटूट आस्था रखते हैं और इस वजह से वो अपना सब कुछ नछावर करने के लिए भी तैयार रहते हैं और भारी मात्रा में दान और चढ़ावा चढ़ाने में हमेशा आगे रहते हैं। आज हम आपको भारत के टॉप 5 ऐसे मंदिरों के बारे में बताने वाले हैं जहां पैसों की बारिश होती है। नंबर 5, साईं बाबा जी का मंदिर। दोस्तों, साईं बाबा के भक्त भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मौजूद है। ये मंदिर शिरडी में स्थित है जहाँ साईं बाबा ने अपना जीवन व्यतीत किया था और अपने चमत्कारों से लोगों के दुख और दर्द को दूर किया था। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि साईं बाबा जिस सिंहासन पर विराजमान है, सिर्फ वही सिंहासन 94 किलो सोने से बना हुआ है, जो आज के हिसाब से पूरे 10 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का होगा। यही नहीं, साईं बाबा ट्रस्ट के बैंक अकाउंट में 1800 करोड़ रुपए जमा है और 380 किलो सोना और 4500 किलो चांदी भी जमा है और काफी ज्यादा क्वांटिटी में विदेश की मुद्रा भी डिपॉजिट है। दोस्तों, इस मंदिर की एक साल की कमाई 320 करोड़ के लगभग है। अब यार, इतनी कमाई के बाद भी ये मंदिर इस लिस्ट में आने का हकदार कैसे ना हो। और अगर आप साईं बाबा के सच्चे भक्त हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नंबर 4, माता वैष्णो देवी जी का मंदिर। हमारी लिस्ट में एक ऐसा मंदिर है जिसके दर्शन आपने जरूर किए होंगे और दर्शन ना भी किए हो तो आपने कम से कम मंदिर का नाम तो जरूर ही सुना होगा। हम बात कर रहे हैं माता वैष्णो देवी जी के मंदिर के जमीन से लगभग 5200 फीट की ऊंचाई पर बना ये लाखों साल पुराना मंदिर। ये मंदिर पुराणों में अपनी एक अलग मान्यता बनाए हुए है और यही रीजन है कि यहाँ पहाड़ों पर इतनी कठिनाइयाँ होने के बावजूद भी लाखों लोग हर साल यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। अब जब इतनी संख्या में माता के भक्त आते हैं तो सिंपल सी बात है कि इस मंदिर पर दान और चढ़ावा तो आसमान छुएगा ही। माता वैष्णो देवी के मंदिर पर हर साल लगभग 500 करोड़ रुपए भक्तों के द्वारा दान किया जाता है। दोस्तों, हमें कमेंट करके बताइए कि आप में से कौन कौन माता वैष्णो देवी के मंदिर में गए हैं और दर्शन किए हैं, और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिए। नंबर 3, गुरुवायूर टेंपल। दोस्तों, केरल के गुरुवायूर में स्थित यह मंदिर भगवान विष्णु जी का गुरुवायूर टेंपल है। इसको दक्षिण की द्वारका भी कहा जाता है। यहाँ कृष्ण के बाल रूप के दर्शन होते हैं। कहते हैं इस मंदिर में चुंबकीय शक्ति है जिससे आने वाले भक्तों को यहाँ सुकून की अनुभूति होती है, इसलिए भगवान कृष्ण के बाल रूप के दर्शन करने और मन को शांति और सुकून देने के लिए यहाँ हर दिन लगभग 50,000 से भी ज्यादा लोग आते हैं। दोस्तों, यहाँ की कुल संपत्ति की बात की जाए तो लगभग 2500 करोड़ रुपए है। रुपए के अलावा दोस्तों, इस मंदिर के नाम लगभग 271 एकड़ जमीन भी है। नंबर 2, तिरुपति बालाजी। दोस्तों, वैसे तो भारत में सदियों पुराने मंदिर है, उन्हें में से एक मंदिर है तिरुपति बालाजी का मंदिर। यह मंदिर 10वीं शताब्दी में बना था। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और यह मंदिर भारत ही नहीं बल्कि विश्व में भी सबसे बड़े और अमीर मंदिरों की गिनती में आता है। दोस्तों, यहाँ हर दिन लगभग 30,000 से भी ज्यादा लोग दर्शन के लिए आते हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ त्योहारों पर तो इतनी भीड़ हो जाती है कि संभालना तक मुश्किल हो जाता है। त्योहार पर लगभग यहाँ 5 लाख लोगों से भी ज्यादा लोग इकट्ठा हो जाते हैं और वो भी मात्र एक ही दिन में। दोस्तों, यहाँ काफी लोग रुपया पैसा दान करते हैं। रुपया पैसा दान करने के अलावा यहाँ वो बालों को भी दान करते हैं जिन्हें बाद में बेच दिया जाता है। दोस्तों, इतने श्रद्धालु आने की वजह से और भारी मात्रा में सोने और चांदी दान करने की वजह से इस मंदिर की सालाना कमाई लगभग 650 करोड़ को भी पार कर देती है, इसलिए यह मंदिर हमारी लिस्ट में अमीरी में टॉप 2 में शामिल है। नंबर 1, श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। दोस्तों, अभी तक के मंदिरों में आपने देखा कि उन मंदिरों में दान बहुत किया जाता है, लेकिन अब हम आपको एक ऐसा मंदिर बताएंगे जिसमें अगर आप उसमें दान किए जाने वाले धन और सोना चांदी को छोड़ भी दें तब भी वो मंदिर भारत को तो क्या पूरी दुनिया के मंदिरों में सबसे अमीर मंदिर है और पूरी दुनिया में सबसे टॉप पर आता है। दोस्तों, यह मंदिर केरल के त्रिवेंद्रम पूरम सिटी में स्थित है जिसका नाम है श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर। दोस्तों, यह मंदिर इतना पुराना है कि इसके बारे में विष्णु पुराण, ब्रह्मा पुराण, भागवत पुराण और यहाँ तक कि महाभारत में भी लिखा गया है। आपको बता दें कि इस मंदिर में कुल 6 दरवाजे हैं जिसमें से 5 दरवाजे आज तक खोले गए हैं। ये 5 दरवाजे जब खोले गए तो किसी को भी यकीन नहीं हुआ और सबकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि इन दरवाजों के अंदर बोरों में भर भर के सोना और चांदी मिला। यहाँ तक कि कुछ सोने की बोरियों का वजन लगभग 800 किलोग्राम से भी ज्यादा था, यानी कि अगर कैलकुलेट किया जाए तो एक बैग की वैल्यू आज की डेट के हिसाब से 400 करोड़ रुपए के लगभग होगी।
दोस्तों सारे मंदिर के इन 5 दरवाजों से निकले हुए सोने और चांदी और हीरे जवाहरात की जब कॉस्टिंग निकाली गई, तो इसकी टोटल वैल्यू आज की डेट के हिसाब से 17 बिलियन डॉलर के लगभग बैठी। इंडियन करेंसी के हिसाब से बताया जाए तो पूरे 1,19,000 करोड़ रुपए है ना चौंका देने वाला आंकड़ा। दोस्तों यह तो बस हमने इसके सोने और चांदी की वैल्यू बताई है, लेकिन इसमें बहुत सारे सोने और चांदी के पदार्थ ऐसे भी हैं जिन पर नक्काशी और डिजाइन भी की गई है, और उस डिजाइन और नक्काशी के कारण उसकी वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अगर उसकी नक्काशी और डिजाइन के हिसाब से उसकी वैल्यू कैलकुलेट की जाए तो उसकी वैल्यू 10 गुना और बढ़ जाएगी, यानी कि पूरे 170 बिलियन डॉलर। दोस्तों यह अमाउंट इतना बड़ा है कि कई देशों की टोटल GDP भी इसके सामने कम पड़ जाती है। आपको जानकर और भी झटका लगेगा कि इसका जो 6वां दरवाजा है जो अभी खुला नहीं है, उसके बारे में बोला जाता है कि उस अकेले दरवाजे के अंदर इतना सोना और चांदी मौजूद है कि इन बाकी के 5 दरवाजे के सोने और चांदी को भी जोड़ लिया जाए तो भी उससे कई गुना ज्यादा बैठेगा। तो दोस्तों हमारे देश में श्रद्धा भाव और दान करने की भावना हमेशा से रही है और यह रिवाज अभी भी चलती जा रही है। आप खुद ही देखिए हमारे देश में इंसान तो क्या, मंदिर भी अमीर होते हैं, और इन अमीर मंदिरों के बारे में हमने आपको आज इस वीडियो में बताया जिसका नाम था भारत के टॉप 5 रिचेस्ट टेम्पल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें।